सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था कि संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर हम लोग आप लोगों से लाइव बातचीत करेंगे, तो आना तो 6 बजे था लेकिन किसी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग जो है टाइम पे आ नहीं पाए, लेकिन अब वो समस्या सॉल्व हो गई और हम लोग आपके बीच में, मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। जैसा कि सभी साथी लोग जानते हैं कि कल संविधान दिवस है, तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर हम आज आपके बीच में चर्चा करेंगे। और आप साथियों से निवेदन है कि कल जो साथी संविधान दिवस मना रहे हैं, या पूरा देश, पूरी दुनिया जो मनाएगी संविधान दिवस को, जो भारत देश का जो संविधान दिवस है, उससे काफ़ी मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा जो कि कल आपके काम आ सकता है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको शेयर करें, और काफ़ी मात्रा में साथी लोग जुड़ चुके हैं, और धीरे धीरे सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी साथी शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइव जो है सुन सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है साथियों, आप जानते हैं कि हमारा पूरा मूवमेंट, सामाजिक परिवर्तन का जो पूरा मूवमेंट है, वो भारत के संविधान पर टिका हुआ है। और माननीय साहब कांशीराम जी ने किस प्रकार से संविधान में से सोशल रिवॉल्यूशन, सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से संविधान से लेकर के आए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे बिंदु पर हम आज साथियों आपके बीच में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अगर आपको आवाज़ सा लगता सबको ठीक आ रही है, थोड़ा आप बताते भी रहें कि आवाज़ भी ठीक आ रही हो, क्योंकि साथियों आज मैं अकेला हूँ रूम पर, तो और साथी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोगों को समझनी है कि ये संविधान दिवस का जो जो दिन है या कॉन्सेप्ट है, ये अभी 10-15 साल पहले से ही आया है। इससे पहले भारत में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता था। आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1950 को जो भारत देश का संविधान लागू हुआ था, तो उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। और जो स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त 1947 के दिन को भारत जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता था, ये संविधान दिवस नहीं था। बहुत से लोग जो है गणतंत्र दिवस को ही संविधान दिवस के रूप में जो है मनाते थे, लेकिन बाद में जब ये मूवमेंट जो है साथियों जब ये बढ़ा, तो तब समझ में आया कि संविधान दिवस जो है एक अलग चीज़ है, गणतंत्र दिवस एक अलग चीज़ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो काफ़ी बातों के आज हम लोग आपके बीच में चर्चा करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, और ये किस तरीके से इसको समझा जाए, किस तरीके से संविधान को पढ़ा जाए, और किस तरीके से इसको समझा जाए, और किस तरीके से इसको प्रयोग में लिया जाए। क्योंकि बहुत से जो साथी हैं हमारे, वो केवल संविधान की किताब को, जो उनके टेक्स्ट बुक जो होती है उसको, वो जब हमारे कोई मीटिंग होती है या कहीं से भी वो लोग साथी जो हैं वहाँ से संविधान को खरीद के ले आते हैं, लेकिन संविधान को आप ऐसे समझ नहीं सकते। संविधान को समझना इतना आसान नहीं है कि आप एक किताब खरीद के ले आए और उसको आपने पढ़ा, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है उसको समझना। तो सबसे पहले अगर आप लोग संविधान समझने के इंटरेस्टेड हैं, तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि संविधान को आप कैसे, आपको उसको पढ़ना है, कैसे उसको आपको समझना है, और कैसे आपको उसको प्रयोग में लेना है। तो ये सारी बातें साथियों हम आपके बीच में आज रखेंगे। और जो है चलो हम बात करते हैं आप लोगों से कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस में इसमें क्या अंतर है। साथियों, स्वतंत्रता दिवस आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, बताया जाता है जो पढ़ने में सबको आता है, तो उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो जो है स्वतंत्रता दिवस होता है। और उसके बीच में संविधान दिवस आता है 26
नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 का जो दिन है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से ठीक 2 महीने पहले का दिन है ये। और इस दिन साथियों, इस संविधान को अडॉप्ट किया गया था, इसको अंगीकार किया गया था। भारत के लोगों ने इसको बना करके और उसके बाद अपने लिए इसको अंगीकार कर लिया था भारत की जनता ने। वी द पीपल ऑफ द इंडिया, ये शब्द आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। आपको ये हम ये भी बताएंगे कि प्रियम्बल में और जो है मतलब प्रस्तावना में और उद्देशिका में क्या अंतर होता है, ये भी साथियों हम आज आपके बीच में बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि भारत देश के संविधान के लागू होने से 2 महीने पहले का ये समय है। इसको साथियों, ये 2 महीने पहले का समय नहीं है। अगर इसको समझें तो ये 26 जनवरी 1950 2 महीने बाद का समय है। ये पहले का, ये इसको भारत देश के संविधान को अंगीकार कर लिया गया था हमारा जो है कल के दिन का, जो 1949 को 2 महीने का समय, ये 2 महीने का समय जो है 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ठीक ये जो 2 महीने का समय है, ये 2 महीने का समय ये क्यों रखा गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना चाहिए सभी साथियों को, जो मूवमेंट के लोग हैं या देश में जो वो देते हैं एग्जाम वगैरह। तो साथियों, जब कोई कानून बनाया जाता है या कानून दिया जाता है देश को सौंपा जाता है, तो समाज के कहीं ना कहीं वो किसी का विरोध करता है। कोई भी कानून जब किसी को बनाया जाता है समाज के अंदर सुधार के लिए, तो वो कहीं ना कहीं किसी का विरोध करता है। तो विरोध करने के लिए जो समय होता है उसको रोकने के लिए टाइम दिया जाता है समाज को। तो ये 2 महीने का जो बीच का था ये समय, ये जो है दिया गया था कि भाई अब भारत देश के अंदर भारत का नया संविधान बन चुका है। तो जो भी उस समय प्रचार के साधन थे, टीवी था या आपका अखबार थे या आपकी मुनादी करना ढोल बजा करके, किसी भी प्रकार से जितने भी जो संसाधन थे प्रचार प्रसार के, उसके लिए 2 महीने का समय दिया गया कि अब भारत जो है एक नए संविधान से गवर्न होगा, पहले वाले कस्टम से, पहले वाले संविधान से या पहले वाले स्मृतियों से अब जो है ये गवर्न नहीं होगा। अब ये एक नया संविधान बना दिया गया है, इसकी मुनादी घर घर तक पहुंचाया गया कि भाई ये अब आप जो है, अब आप अपने अंदर ये सुधार आपको समाज के लोगों, देश के लोगों करने होंगे। जैसे अब जो आपका ये जो अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अब छुआछूत नहीं की जाएगी, अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, अब सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा। तो इस प्रकार की जो पहले जो समस्याएं चल रही थी, तो उन समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया कि भाई आपको 2 महीने का समय है सुधरने के लिए, आप 2 महीने के अंदर अंदर सुधर जाओ। अगर उसके बाद अगर आप कोई सार्वजनिक कुएं पर, सार्वजनिक तालाब पर या किसी भी पानी पीने के किसी भी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी धर्म का अगर पानी पीता है, अगर कोई उसे रोकता है, तो दैट विल काउंट एज एन ऑफेंस, वो एक ऑफेंस होगा, वो एक क्राइम होगा। तो इसलिए ये 2 महीने का जो समय था ये सुधार करने के लिए समय था कि 2 महीने में आप लोगों तक ये बात पहुंचा दी जाए जनता तक। और उसके 2 महीने के बाद 1949 का, 26 जनवरी 1949 के बाद अगर कोई व्यक्ति कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है या कोई जो है एट्रोसिटी करता है या कोई जो है भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो वो एक अपराध के रूप में काउंट किए जाएंगे, उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा।
तो ये 2 महीने का जो समय होता है, ये किसी भी कानून के लिए सभी के लिए होता है। अगर किसी भी कानून को आप पढ़ेंगे, किसी की कानून की अगर आप लीगल हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि थोड़े दिन का समय दिया जाता है समाज को सुधरने के लिए, और उसके बाद में टाइम पूरा होने के बाद अगर कोई वो समाज का कोई भी सदस्य इस प्रकार का कोई भी अगर इलीगल एक्ट करता है, ओमिशन करता है, तो वो एक अपराध के रूप में काउंट किया जाएगा और उसके बाद उसको सजा दी जाएगी। तो मेन बात यह है कि आज के दिन जो है, मतलब जो कल का जो दिन है, इसके दिन हम लोगों ने, भारत के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। तो अडॉप्शन डे जो है उसी को हम लोगों ने संविधान दिवस के रूप में, हमने भारत की सरकार ने मनाने की शुरुआत करी बाबा साहब के 125वें जन्मदिन पर। साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं, सबसे बड़ी बात तब निकल के आई कि संविधान दिवस को बाबा साहब के नाम से मनाया जाएगा, क्योंकि सम्मानित साथियों ये बात जो है भारत सरकार ने कही। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को अगर आप देखेंगे, पहले की आप दौर में जाएंगे, तो उस समय लगभग गांधी जी के नाम पर ही दोनों दिनों को मनाया जाता था। स्वतंत्रता दिवस भी गांधी जी के नाम पे मनाया जाता था, गांधी जी को फूल चढ़ाए जाते थे, और जो हमारे वो थे उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। और गणतंत्र दिवस जिस दिन भारत देश का संविधान लागू हुआ, उस दिन भी अज्ञानता की वजह से लोग गांधी जी के नाम के ही वहां पर जो है वाहवाही करते थे, उन्हीं के ऊपर स्पीच देते थे, टीचर लोग भी गांधी जी के बारे में ही बताया करते थे। लेकिन जब ये जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा, लोगों में अवेयरनेस फैली और सभी समाज के लोगों ने उसको पढ़ना लिखना शुरू किया, तो तब समझ में आया कि गांधी जी का जो अगर संबंध थोड़ा बहुत अगर रखा जाता है, तो वो आपका जो है वो केवल आपका जो है स्वतंत्रता दिवस पे रखा जाना चाहिए, बाकी गणतंत्र दिवस जो है टोटल संविधान बनाने वाले लोगों के लिए है। उसमें साथियों ये जो भारत के संविधान के फादर के रूप में जो बाबा साहब को जो काउंट किया गया, तो उसमें ये कोई हम लोगों के द्वारा नहीं कहा गया, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के अंदर खुद कहा कि बाबा साहब अगर ना होते तो ये संविधान लिखने में बहुत दिक्कतें आती, बाबा साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों संविधान बनाना एक अलग बात है, संविधान लिखना एक अलग बात है। मैं देखिए साथियों अगर आप इसको अदरवाइज ना लें तो बात को समझने का प्रयास करें। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया और नेहरू जी ने कहा, नहीं नेहरू, उसको आप समझिए। देखिए साथियों ये पूरी संविधान सभा की हमारी जो है, ये पूरी की पूरी संविधान सभा की ये डिबेट है, ये डिबेट के वॉल्यूम है साथियों, आपको ये दिखेंगे, ये सारे के सारे संविधान सभा के ये वॉल्यूम है, सारे के सारे जो संविधान सभा में जो बहस हुई थी ये सारे के सारे वॉल्यूम है, इसी में नेहरू जी के लिए बात निकली है। ये जो है ये किताबें हैं साथियों, इनके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। तो इसमें पढ़ने से हमको मिलता है कि जो है कि जो नेहरू जी ने ये कहा था कि लिखने के लिए कहा था बाबा साहब के, कि उन्होंने तो लिखा है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, और कोई साथी विदेश में चला गया था, कोई साथी की डेथ हो गई थी, कोई साथी बीमार था, कोई साथी दूर था। ऐसा अगर देखा जाए तो 7 लोगों की जो कमेटी जो थी उसमें से जो है 6 लोग अधिकांश किसी ना किसी कारण से एबसेंट रहे, बाबा साहब के ऊपर पूरा का पूरा भार आ गया। तो लिखने का जो भार आया उसके लिए नेहरू जी ने कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर इसमें ईमानदारी निष्ठा से लगन से इतनी उससे काम नहीं करते तो ये नहीं लिख पाते। लेकिन संविधान बनना एक अलग बात है, हम ये कहें कि बाबा साहब ने संविधान बनाया वो नहीं है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और अगर हम ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो कहीं ना कहीं हम लोग लगभग जो वो 450 जो सदस्य थे उनको हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसमें से 300 लोग हमेशा जो है वहां प्रेजेंट रहते थे। अगर हम लोग इस बात को अगर तो आपको समझना है, तो संविधान सभा में ये बात खुद ये बात चर्चित है, बाबा साहब एक एक आर्टिकल को लिखते थे, लगभग 65 देशों के संविधानों का बाबा साहब ने अध्ययन किया था,
और उसमें से वो अच्छा अच्छे कलेक्शन करते थे, भारत की व्यवस्था को देखते थे, और उसके बाद जो उनका दिमाग था, जो उनका फ्यूचरिस्टिक जो दिमाग था, उस सब का प्रयोग करते हुए तो बाबा साहब ने जो है संविधान के एक एक आर्टिकल को लिखा। और आर्टिकल वो लिखने के बाद में, एक एक आर्टिकल, एक एक पार्ट लिखने के बाद में, एक एक चैप्टर लिखने के बाद में, उसके ग्राउंड बाबा साहब लिखते थे, उस पर जाकर के संविधान सभा में जाकर के डिबेट होती थी, उसके बाद में कुछ उसमें जुड़ना है, कुछ उसमें घटना है, तो इस आधार पर सम्मानित साथियों फिर जो है जाकर के सिलेक्शन होता था। काट पीट होने के बाद उसको नोट डाउन किया जाता था, उसको वेरीफाई किया जाता था, उसको एक्सेप्टेंस मिलती थी, और सारे के सारे सदस्य उस पर जो है अपने सिग्नेचर करते थे, जिसमें लगभग 2 दर्जन के आसपास एससी समाज के भी उसमें जो साथियों संविधान सभा में सदस्य थे, लगभग 389 सदस्य संविधान सभा में थे। तो सम्मानित साथियों यहां पर जो कहा जाए कि बाबा साहब ने संविधान लिखा क्योंकि वो उसके अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग चेयरमैन कमेटी के, और लेकिन बनाने में सभी लोगों का सहयोग रहा। तो कहीं पर भी आप साथी लोग इस बात से भेदभाव जो है बनाने का प्रयास ना करा जाए कि भाई बाबा साहब ने अकेले नहीं लिखा। अगर आप बाबा साहब का अकेले का नाम लिखते हैं तो उससे जो है और जो लोग हैं, और जो कम्युनिटी के लोग हैं, और जो लोग हैं वो अपना सोचते हैं कि इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। जब से हम लोगों ने इस बात को फैलाना शुरू किया है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो आप देखना, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान हमारा खतरे में जा रहा है, तभी से सम्मानित साथियों। और हालांकि पहले से भी ये लोग चाहते नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाने के बाद खुद सुनने में ये भी आता है कि बाबा साहब ने संविधान को आग लगा दी थी। ये बहुत ही कड़वी बात है, बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई जयप्रकाश ने ये कहां से ये बात कह दी, लेकिन मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर जो है डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया था अपनी क्लास में कि एक दिन इतने दुखी हो गए थे बाबा साहब, उनको बनाने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता था कि शायद ये संविधान लागू नहीं हो पाएगा, इसका बनने का कोई औचित्य नहीं है, गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली जा रही है, तो ऐसा होगा तो इस संविधान का फायदा क्या है, क्योंकि साथियों ये केवल एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है ये कोई। तो इस प्रकार से बाबा साहब बड़े दुखी हो जाते थे कभी कभी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको ये ना कहें कि केवल ये बाबा साहब ने बनाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो लोगों के माध्यम से सुनने में आ रहा है, छोटे छोटी बातें निकल के भी आती हैं कि नए संविधान को बनाने की बातचीत चल रही है, क्योंकि ये लोग इस बात को टीवी में आप लोगों के सामने ये लोग पेश करेंगे कि भाई जो संविधान जो पहले वाला जो बना था, एक तो ये बाबा साहब का बना हुआ बताया जाता है, तो ये हमारे खिलाफ पूरी सोसाइटी को ये लोग 95% समाज को, ये 70-80% समाज को, 90% को ये हमारे खिलाफ खड़ा करेंगे। और नंबर टू जो है, ये जो है भारत देश का जो संविधान जो इस समय है, ये अंग्रेजों के रहते हुए साथियों ये बनाया गया था कि ये 6 दिसंबर 1946 को इसकी जो है नींव रख दी गई थी, और 1949 में जाकर के 50 में ये लागू हुआ, और 47 में जो है देश आजाद हुआ। तो अंग्रेजों के रहते हुए ये संविधान जो है सम्मानित साथियों ये बना, तो ये उसका बेनिफिट उठा सकते हैं ये विरोधी लोग, ये भाजपा आरएसएस के लोग, ये एक बेनिफिट उठा सकते हैं कि भाई ये तो अंग्रेजों की देख रेख में संविधान बना था, अंग्रेजों के समय का बना हुआ संविधान है, तो अंग्रेजों का संविधान इस देश में लागू नहीं रहना चाहिए। तो ये सम्मानित साथियों ये एक माहौल तैयार करेंगे फ्यूचर में, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग जो है नए संसद को बना रहे हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये जो है मोदी जी के माध्यम से आरएसएस जो है नया संविधान और नई संसद इस बात पर देने का प्रयास करेगी कि भाई ये जो है संविधान अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के समय में बना हुआ संविधान था,
और बाबा साहब ने बनाया था, ये बड़े लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। तो इस कलंक से आपको मिटना है, हटना है, तो इससे आप लोग नया संविधान हम आपको देंगे, कुछ कुछ मिलता जुलता भी इसमें से ले लेंगे उसमें से ये लोग, और उसके बाद नया संसद देंगे, क्योंकि जो अंग्रेजों की संसद थी उसमें हमको नहीं बैठना चाहिए। तो पूरा देश कहेगा मोदी मोदी मोदी। तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों, ये इस देश के भोले भाले समाज को बरगलाने का इनकी प्रोग्रामिंग है। तो सम्मानित साथियों, इसका ठीक से अध्ययन किया जाए। संविधान लिखा बाबा साहब ने था अकेले ने, लेकिन बनाने में विभिन्न जो कमेटियां बनी हुई थी और उन कमेटी के लोग अलग अलग चैप्टर अपने अपनी बातचीतें अपने अपने ग्राउंड से लेकर के आते थे, उस पर डिबेट होती थी। तो हमको ये कहना बेहतर रहेगा कि सभी समाज के, सभी वर्ग के, सभी वर्ण के, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के ये संविधान बनाया है, ये सब समाज का संविधान है, पूरे देश का संविधान है। तो इसको बचाना भी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों की, सभी वर्ण के लोगों की जिम्मेवारी बनती है। तो सम्मानित साथियों, इसको ये कहा जाए कि भाई ये जो है सभी लोगों ने बनाया है। इसमें 389 सदस्य थे इसमें सम्मानित साथियों, 300 के आसपास हमेशा उसमें प्रेजेंट रहते थे। ये आपको संविधान सभा में पढ़ने के लिए सब कुछ मिल सकता है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये समझा जाए संविधान किसे कहते हैं। हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं, संविधान किसे कहते हैं। तो साथियों, संविधान जो है सम प्लस विधान। सम मतलब जिसके अंदर सभी समाहित हों, सभी लोग उसके, सभी कानून उसके अंदर आते हों, सभी लोग उसके अंदर आते हों। जैसे आप देखते हैं, पहले राजा सरकार, राजा का हुक्म चलता था, राजा के आदेश चलते थे, लेकिन राजा को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने का जो लिखित दस्तावेज है उसको सम्मानित साथियों संविधान कहते हैं। सम प्लस सम, संविधान का मतलब सम प्लस विधान, जिसमें सभी लोग समाहित हो। सम्मानित साथियों, जिसमें सारे कानून, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो भारत देश के संविधान के किसी आर्टिकल का विरोध करता हो। तो ये साथियों, ये पूरे देश में, एक पूरी दुनिया में ये एक यूनिक हमारे यहाँ पर है। अभी जो कोई एक हमारे आईएएस की क्लास देते हैं, बड़े चर्चित हैं, विकास कीर्तियान, क्या ना उनका नाम है, जो आजकल बड़ी छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं, विकास कीर्तियान ऐसे कुछ करके उनका नाम है, जो डॉक्टर प्रोफेसर भी है और जो है जो जानकारी मिली है, और वो जो है बताते हैं छोटी छोटी क्लिप में। तो उन्होंने भी एक बात कही थी कि संविधान के ऊपर उनकी एक कोई रील आई थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ है भारत देश के अंदर। तो सम्मानित साथियों, उनका कहने का प्रयास ये था कि रूल ऑफ लॉ एक बहुत छोटी चीज है, भारत के अंदर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का शासन है, रूल ऑफ लॉ छोटा होता है रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। साथियों, ये जो दौर है, ये जो कानून का जो दौर है, संविधान के दौर में पहुंचते पहुंचते बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ा है मनुष्य को। पहले रूल ऑफ जंगल था, फिर रूल ऑफ इंडिविजुअल था, उसके बाद रूल ऑफ मेजॉरिटी था, उसके बाद रूल ऑफ लॉ था, और अब आकर के सम्मानित साथियों रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, रूल ऑफ जंगल आप समझते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। रूल ऑफ इंडिविजुअल, नहीं भाई, अब ये मछली वसली का चक्कर छोड़ो, ये दबाने का चक्कर छोड़ो, किसी एक व्यक्ति हमारे कबीले का, हमारे ग्रुप का हेड होगा, वो प्रधान होगा, और उसके हिसाब से जो है हम लोग चलेंगे। तो उसको रूल ऑफ इंडिविजुअल कहा गया, उसमें पक्षपात आया, तो फिर रूल ऑफ मेजोरिटी आया कि भाई ज्यादा लोगों का मेजोरिटी का शासन होगा, जैसे 5 लोग चुन लिए जाएंगे अपने कबीले में, अपने गांव में, या अपने ग्रुप में, अपने समाज में, और 5 लोगों में से जिस तरफ 3 लोग हो जाएंगे तो उसकी बात को मान लिया जाएगा, तो उसको रूल ऑफ मेजोरिटी कहा गया। इसमें भी साथियों पक्षपात होने लगा, तो फिर उसके बाद में रूल ऑफ लॉ आया, तो लॉ रूल ऑफ लॉ आया, और उसके बाद में फिलहाल जो चल रहा है, जो पूरी दुनिया में बड़ा चर्चित है, जो बाबा साहब के समय से ही साथियों ये शुरू हुआ, इसे कहते हैं रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेशक अमरीका ने 18वीं शताब्दी के अंदर लिखित संविधान सबसे पहले दिया पूरी दुनिया में, लेकिन रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था वहां पर, रूल ऑफ लॉ था। तो रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये साथियों आपको समझने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लॉ जो होता है उसको पार्लियामेंट बनाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा
बनाए गए नियमों को उसका शासन होना, उसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। लेकिन पार्लियामेंट भी भारत देश के संविधान के किसी भी अनुच्छेद, किसी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बना सकता। दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का शासन होगा, रूल ऑफ आप लॉ कुछ भी नहीं बना सकते। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कोई भी कानून नहीं बना सकती, अगर वो बना लेती है वो चलता है, तो दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। और अगर पार्लियामेंट को ऐसा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो भारत देश के संविधान के अनुच्छेदों के खिलाफ जाता हो, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ जाता हो, तो उसको कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ से भी बड़ी चीज है सम्मानित साथियों हमारे भारत देश के अंदर। तो इसलिए ये इस समय जो हमारे देश में चल रहा है वो रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। इसी को साथियों आप लोग समझ सकते हैं। एक बहुत से साथियों ने अभी कल परसों डाला था कि भाई सभी साथी 26 तारीख को, 26 नवंबर को जो है उद्देशिका को पढ़ करके, आप जो है उद्देशिका को पढ़ें, उसका उच्चारण करें, उसकी वीडियो बना करके डालें। तो साथियों उद्देशिका है क्या, प्रस्तावना है क्या, ये भी साथियों आप लोगों को समझना होगा। देखिए नेहरू जी ने जब ये संविधान बनाने की बात चल रही थी, तो नेहरू जी ने जो जो बात रखी थी वो प्रस्तावना के रूप में बात अपनी रखी थी, कि प्रस्तावना के रूप में अपनी बात रखी थी। तो उसको बाबा साहब ने, फिर जब उसके बाबा साहब के सामने वो आया तो वो प्रस्तावना आई, तो बाबा साहब ने उसको उद्देशिका में चेंज किया। तो प्रस्तावना जो शब्द है वो प्रस्ताव से बना हुआ है, और उद्देशिका जो शब्द है वो उद्देश्य से बना हुआ है। तो आप इसमें आप समझ सकते हैं कि जो प्रस्ताव जो है, ऑफर बोलते हैं उसको, प्रपोजल बोलते हैं, कि हमारा ऑफर है कि हम चाहते हैं कि भारत देश का संविधान बनाया जाए। लेकिन जब बाबा साहब ने उसको उद्देशिका में चेंज किया, प्रेम्बल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर बाउंड टू मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसके लिए बाउंड है। जैसे एक एग्रीमेंट है, एक ऑफर है, एक ऑफर को किसी ने, हमने मैंने आपको ऑफर दिया दोस्ती करने का, किसी बिजनेस को करने का, आप स्वीकार करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक ये प्रपोजल है, जैसे ये प्रपोजल आपका उसमें आ जाता है तो ये एक्सेप्टेंस जैसी आती है, तो ये जो है ये उद्देश्य काम में आ जाती है। मतलब ये सब अब देश बाउंड है, देश को बिना संविधान बनाए आपको अब आजादी मिलने वाली नहीं है। तो ये उद्देशिका में चेंज हुआ, और उद्देश्य भी बताने पड़ेंगे आपको कि किस उद्देश्य के लिए आप इस संविधान को बना रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा पूरे देश के लोगों को। तो इसमें साथियों जब आप पढ़ते हैं इस उद्देशिका को, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको केवल 3 पॉइंट में पूरी प्रस्ताव, पूरे उद्देशिका को, पूरे प्रेम्बल को आपको साथियों पढ़ना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग एक दस्तावेज बनाना चाहते हैं, एक कानून, एक संविधान बनाना चाहते हैं जिसका उद्देश्य है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, जिसको साथियों हम लोग इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये हम संविधान बना रहे हैं। और आखिर में जाकर के इसको 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, हमने इसको अंगीकार कर लिया। तो सम्मानित साथियों ये ज्यादा इसको लेकर के आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको 3 पार्ट में, एक हम भारत के लोग, दूसरा तीस जो दूसरा जो पार्ट है वो आपका ये है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, जिसको जस्टिस बोलते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ये वही वाले हैं जो बुद्ध के जो चार जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत साथी, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। हमने इसको बनाया समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के उद्देश्य के लिए बनाया, और हमने ही उसको अंगीकार कर लिया। ये 3 पार्ट में पूरा का पूरा आपका प्रैम्बल बना हुआ है। तो साथियों जो मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि आप जो साथी इस संविधान को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये इतना सफिशियंट नहीं है कि आप एक किताब लेकर के आ जाएं, जहां हमारे महापुरुषों की जो किताबें बिकती हैं मीटिंग के बाहर, वहां पे हमको संविधान भी मिल जाते हैं,
तो हम एक संविधान ले आए और घर में ला करके उसको रख लें और जो है उसको हम समझने का प्रयास करें, उसमें साथियों आपको समझ में नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक खरीदनी पड़ेंगी आपको। और ये मिलती कहाँ, ये प्रत्येक जिले पर जहां पर कानून की पढ़ाई होती है, लॉ करते हैं बच्चे, वहां पर सम्मानित साथी वहां पे किताबों की दुकानें होती हैं और वहां पर जाकर के आप जो है कह सकते हो कि भाई हमको जो है संविधान की टेक्स्ट बुक चाहिए। उसमें JN पांडे हैं, MP जैन हैं, तमाम ऐसे राइटर हैं, उनको आप वो एक एक आर्टिकल को, एक एक चैप्टर को उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया हुआ है। तो जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे, तो तब तक आपको संविधान समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार के साथियों, वैसे बेसिक संविधान तो ये इस प्रकार का होता है, इसको जो है ये आप इसको उल्टा देख पा रहे हैं, ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको बेर एक्ट बोलते हैं। ये इस प्रकार से साथियों नए नए एडिशन में ये समय समय पर आते रहते हैं, साथ ही लोग जानते हैं। और ये इस प्रकार की सम्मानित साथियों ये किताबें होती है, इसको आप लोग ये आप इसको ये आपको किताबें डिस्ट्रिक्ट पे आपको ये मिल जाएंगी, जिले पर ये इस प्रकार की किताबें होती हैं। इस तरह से आपको इनको पढ़ना होता है और उसके बाद में सम्मानित साथियों ये थोड़ी बहुत आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इस प्रकार की ये इसकी हिस्ट्री है इसकी। तो ये साथियों ये सब चीजें हैं, तो इसमें आपको इतना आसान नहीं है इसको समझना, थोड़ा सा इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक लानी पड़ेंगी, तब जाकर के सम्मानित साथियों ये बात आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ में आएंगी और उसके बाद में आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो साथी जो हमारे जो साथी के बारे में डीप जानकारी, डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, वो साथी टेक्स्ट बुक खरीदने का साथियों वो लोग प्रयास करें। और जो हमारा भारत देश का जो संविधान है साथियों, वो आप जो नेट पे ये चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं, ये 22 पार्ट्स में ये बटा हुआ है, अब 25 भी हो गए हैं उसको जो है अमेंडमेंट करने के बाद में। बाकी 22 पार्ट में ये बनाया गया था जिस समय संविधान सभा ने इसको बनाया था, तो 395 इसमें आर्टिकल थे और जो है ये 22 पार्ट्स में है, 6 सूचियां थी, अब बढ़ करके वो ज्यादा हो गई हैं, वो आप जानते हैं उनको, उसको तो आप देख भी सकते हो। तो सम्मानित साथियों ये भारत देश के संविधान से संबंधित कुछ बातें साथियों हम लोगों ने आपके बीच में रखी, जो मेन जो दो तीन बातें हैं वो साथियों हम आपको बता करके अपनी बात को हम लोग फिर समाप्त करेंगे, क्योंकि हमको आधे घंटे के अंदर अंदर इस जो है लाइव को हमें खत्म करना था, बाकी आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। तो साथियों इसमें दो तीन चैप्टर पे आपको जो है इसको समझना जरूरी है, इसमें जो आपको जो पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है इसको आप लोग समझें। पहला जो पार्ट है ये भारत देश के संविधान का जो पहला पार्ट है वो यूनियन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का है। इसका मतलब ये है कि ये यूनियन एक संघ है, उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में कहा गया है। उसमें जो सबसे बड़ा आर्टिकल, जो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है सम्मानित साथियों जो कि भारत का नाम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब है कि इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग इंडिया का मतलब, क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया था तो इंडिया का मतलब आप लोग इसको हिंदुस्तान, आर्यवर्त या कुछ और इसका नाम ना रख लेना आप लोग इसका। इसका इंडिया का मतलब सीधा सीधा केवल भारत है, भारत के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये पहले चैप्टर का पहला आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर दो जो चैप्टर है वो आपका जो है वो नागरिकता को लेकर के है, सिटीजनशिप को लेकर के है सम्मानित साथियों। वो आप 1 से लेकर के 4 तक पहला चैप्टर चलता है, दूसरा जो है 5 से लेकर 11 तक। साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम आगे आगे बताएंगे, पार्ट 3 जिसके अंदर बाबा साहब की पूरा कंसिडरेशन इसमें जो है पूरे महापुरुषों का जो पूरा कंसिडरेशन है, इसको लिखने का जो मूल, इसमें एंट्री करने की बाबा साहब जो इसमें जाना चाहते थे संविधान सभा में, वो पार्ट 3 है, उसको साथियों आप लोग समझेंगे। मैं उस पर 2-4-5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। वो जो आपका चैप्टर 3 है वो आर्टिकल 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वो रन करता है, तो सम्मानित साथियों उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो चैप्टर 2 है जो नागरिकता का जो है, जो सिटीजनशिप का है, इसकी भाई 5 साल तक यहाँ पे रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता है, सब वहां वहां से वो अपनी वो
नम्रता को खत्म कर लेता है। इस प्रकार की यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। ये मैं उनके लिए इस बात को बता रहा हूं जो लोग ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को हम जो है इस देश से भगा देंगे। कुछ मूवमेंट चलाने वाले हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भाई ब्राह्मण का DNA विदेश का है और जो है हम ब्राह्मणों को भगा देंगे, हम समाज को तैयार करेंगे, ब्राह्मणों को भगा देंगे। तो समाज साथियों, कहीं ना कहीं वो जो है ऐसा लगता है कि उनको इस चीज पर अध्ययन करना चाहिए। सम्मानित साथियों, यहां पर लिखा है कि 5 साल तक अगर कोई व्यक्ति, किसी विदेश का व्यक्ति 5 साल तक अगर भारत के अंदर रहता है और उसकी किसी दूसरे देश के अंदर उसकी नागरिकता नहीं है या वहां से वो खत्म कर लेता है, 5 साल तक बिना किसी डिस्टर्बेंस से, बिना किसी प्रॉब्लम के 5 साल तक वो कंटिन्यू रहता है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो भारत के अंदर रहना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये आपके चैप्टर 2 के अंदर सम्मानित साथियों लिखा है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक चलता है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन सम्मानित साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को इस देश से भगा देंगे, उनको इस बात को समझना चाहिए। जब पांच साल तक रहने वाले व्यक्ति को इस देश से नहीं भगाया जा सकता, वो उसका नागरिक बन जाता है, उसका सिटीजन बन जाता है, तो जो लोग 5,000 साल से रह रहे हैं उसको आप कैसे भगा देंगे। हालांकि मैंने इस पे पहले भी कई बार मैंने अपने अपनी बातें रखी हैं कि आर्य विदेशी थे, ब्राह्मण विदेशी नहीं है, और आर्य और ब्राह्मण अलग अलग चीज है। शास्त्रों में आर्यों का और अनार्यों का संघर्ष मिलता है, आर्यों का, ब्राह्मणों का, गैर ब्राह्मणों का ऐसा संघर्ष कहीं नहीं मिलता है। तो साथियों, उसको आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन साथियों, बात मेन आती है पार्ट 3 की, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, यहाँ इसको समझना है और उसके बाद में साथियों हम लोग समाप्त करेंगे। बाकी चीजें आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात बाबा साहब ने ये पार्ट 3 में लिखी है साथियों। ये सबसे खतरनाक चैप्टर है जहां से पूरी व्यवस्था को दिक्कत होती है। सम्मानित साथियों, हम लोग प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने जो है इसको अपनी बातों में कहा है कि अगर ऐसा कोई भी संविधान, कोई भी कानून जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता है, उस कानून को, उस संविधान को आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकते। इसको साथियों आपको समझना, ये पूरा मूवमेंट का पार्ट है। बाबा साहब ने कहा है कि ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी संविधान जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता है, उस कानून को, उस संविधान को आप ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते। साथियों, ये मूल बात है, इसको समझना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अध्ययन करते हैं तो बाबा साहब ने ये कहा कि अगर आप लोग इस देश में इस संविधान को बचाए रखना चाहते हो तो आपको इस देश की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि भारत देश का संविधान ये कहता है कि गैर बराबरी नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, सब लोग बराबर होंगे, समता होगी, स्वतंत्रता होगी, बंधुत्व होगा, न्याय होगा। लेकिन आपकी जो देश की सामाजिक व्यवस्था ये कहती है कि गैर बराबरी होगी, छुआछूत होगी, जो अभी भी चल रहा है, तो अगर ऐसा रहता है, सामाजिक व्यवस्था में गैर बराबरी रहती है और संविधान बराबरी के लिए प्रयास करता है, तो आपका संविधान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। आपको संविधान का सहारा लेकर के आपको जल्दी से समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा। गैर बराबरी की मानसिकता रखने वाले लोगों को, आप लोगों को परिवर्तित करके, उनके मस्तिष्क को, उनके दिमाग को, उनकी सोच को परिवर्तित करके बराबरी की व्यवस्था के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका संविधान लंबे समय तक चलता रहेगा, वरना कुछ दिन के बाद ये संविधान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कानून अगर व्यवस्था का विरोध करता है तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता।
इसीलिए साहब कांशीराम जी ने कहा था कि मेरा उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति है, मैं सामाजिक परिवर्तन चाहता हूं और उसके लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा सुटेबल जो टूल है जो औजार जो हथियार है वो भारत का संविधान है। लेकिन भारत के संविधान को लागू करने के लिए हमारा सत्ता में पहुंचना जरूरी है। जब सत्ता हमारे हाथों में होगी, गैर बराबरी की व्यवस्था की मानसिकता रखने वाले लोगों में से हटा करके सत्ता बराबरी की मानसिकता रखने वाले लोगों के पास जब सत्ता पहुंचेगी तो तब इसका हम प्रयोग करके हम इस देश की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, तब यह संविधान चल सकता है, अन्यथा यह संविधान ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सम्मानित साथियों, इसीलिए ये बात आप लोगों के लिए समझनी बहुत जरूरी है। अगर भारत देश के संविधान को आप बचाना चाहते हैं, गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करके बराबरी की व्यवस्था में बदलना चाहते हैं, तो आपको संविधान को लागू करने के लिए आपको सत्ता में आना होगा और सत्ता में आने के लिए सम्मानित साथियों आप लोगों को पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा। अपनी पार्टी जो हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको साथियों आप लोगों को मजबूत करना होगा। लेकिन फिर भी जो भी बाबा साहब ने यहाँ पे जो बातें जो लिखी हैं संविधान सभा ने, उसके बारे में साथियों हम लोग बात करते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। ये जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, इसको FR भी कहते हैं सम्मानित साथियों, जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहली आर्टिकल है वो स्टेट के बारे में कहा गया कि स्टेट किसे कहते हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है बहुत दिन के बाद एक ऐसा संविधान दुनिया को मिला। अगर आप देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है वो बड़ा होता है, अगर हम इंग्लैंड में जाते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड को देखते हैं तो वहां पे साथियों वो बड़ा होता है। अगर कोई डिसीजन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड के माध्यम से अगर उसको कोई रिपील करता है, काउंटर करता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड की बात मानी जाएगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब राज्यसभा जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति किसी भी लेवल का कोई भी काउंट बनता है तो उस संविधान में जाकर के सम्मानित साथियों उसको वो जो है वायलेट कर सकते हैं अगर वो किसी भी आर्टिकल का उसका विरोध करता है। तो ये साथियों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी, यहाँ पर बाबा साहब का साथियों बिल्कुल सटीक बैठता है मामला कि बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई बातें होंगी और ये जो है और लोगों ने उसको स्वीकृति दी है। आर्टिकल 13 में साथियों ये संविधान सभा में के समय पर पास हुआ। बाबा साहब ने संविधान के अपने आर्टिकल 13 में लिखा, ऐसा कोई भी कानून जो भारत देश के कानून जो बन रहा है, जो लागू होगा 26 जनवरी 1950 से, मतलब संविधान बनने से पहले का ऐसा कोई भी कानून जो कि संविधान का विरोध करता है, वो सारे के सारे कानून शून्य होंगे। जैसे महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद, शास्त्र, स्मृति, मनुस्मृति, जितने भी कानून हैं साथियों, ये पूरी दुनिया के अंदर एक इसी संविधान में ये लिखा गया है कि ऐसा कोई भी कानून जैसे मनुस्मृति है या रामायण, गीता, महाभारत है, कोई भी है, उसके अंदर गैर बराबरी है, वो भारत देश के संविधान का विरोध में है, तो वो कानून, वो नियम, वो शून्य हो जाएंगे, आज के दिन से ही वो जीरो हो जाएंगे। ये बात बड़ी शेर दिली की बात जो है सम्मानित साथियों संविधान सभा में ये पास हुई कि ऐसा कोई भी कानून जो व्यवस्था जो इसका विरोध करता है संविधान को, उसको शून्य कर दिया जाता है। और संविधान के बनने के बाद, लागू होने के बाद भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो इसका विरोध करता है संविधान का। तो सम्मानित साथियों ये साथियों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। यहां पर जो है इसको कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अल्ट्रा वायस है, विरोध में है, तो दोज विल काउंट वाइट, वो
वर्ड की तरह से वो वर्ड काउंट वो जो है शून्य माने जाएंगे। तो सम्मानित साथियों ये आपका पार्ट थ्री था, इसमें बहुत सारे जो है आपके पास में आर्टिकल्स इसको आप पढ़ सकते हैं, समानता से संबंधित, धर्म की हमारे पास में आजादी है 24 से लेकर के 28 तक, इस प्रकार से साथियों आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट थ्री। लेकिन आप लोग पढ़ किताब जो आप टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं, जो संविधान जो आप पढ़ते हैं, उसके साथ साथ साथियों आप टेक्स्ट बुक लेके आए, वो आपको हिंदी में भी मिल सकती है, इंग्लिश में तो मिलती है, वो आपको हर एक भाषा में आपको सम्मान साथियों वो मिलेगा। और सम्मान साथियों एक पार्ट इसमें फोर है जो कि DPSP बोलते हैं उसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको सम्मान साथियों उसके अंदर वो है कि भाई सरकार जो है जो बनेगी वो इन इन बिंदुओं पर काम करेगी, उसको कहते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, वेलफेयर स्टेट को साथ वहां पे काउंट किया गया कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप राजा के पास जो पैसा बचेगा उसका वो महल बनाएगा। ये पार्ट थ्री का साथियों उद्देश्य है कि अब ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में आप राजा बन गए, आप कुछ बन गए तो आपने देश की रक्षा करी और जो है उसने आपकी जान माल की सुरक्षा करी, थोड़ा बहुत जो भी कुछ काम हुआ उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है टैक्स का, रेवेन्यू का, उससे जो पैसा बचता है तो उससे आप लोग बड़े बड़े महल, पहले वो लोग बनाते थे राजा लोग पहले बड़े बड़े महल बनाते थे, तो उसके बाद 50-50, 100-100 रानियां रखते थे, तो अपने वो मौज मस्ती के लिए वो काम करते थे, उस पैसे का जनता से लिया हुए पैसे को वे लोग अपनी मौज मस्ती के लिए वो लोग खर्च करते थे। तो ये पार्ट फोर ये कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, आपको पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको काम करना पड़ेगा और आपको भी ऐसे ही तनख्वाह मिलेगी जैसे अन्य किसी कर्मचारी को मिलती है, यानी कि आप भी एक सर्वेंट होंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, आपको जो है आप चुने गए हैं समाज के द्वारा, लेकिन आपको आपके गुजारे के लिए आपको जो है आपका आपको जो है तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद में जो भी पैसा आपका बचता है उसको आप लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए आप लोग खर्च करेंगे। तो ये आपका पार्ट फोर है, बाकी पार्ट फोर ए उसमें जो है ड्यूटीज को लेकर के, पार्ट फाइव जो है सम्मानित साथियों वो सेंटर की जो बॉडी होती है, यूनियन की जो बॉडी होती है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये स्टेट की है, उसके अगले वाले चैप्टर में सम्मानित साथियों आपको ये आपकी सेंटर की थी, ये यूनियन की थी, ये दिल्ली वाली जो होती है प्रधानमंत्री वाली, ये साथियों नीचे वाली जो है ये उसकी होती है सम्मानित साथियों। तो इसलिए सम्मानित साथियों ये जो है इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि संविधान जो है सभी सदस्यों ने मिलकर के बनाया, बाबा साहब ने उसको लिखा, ज्यादा मेहनत सम्मानित साथियों बाबा साहब ने करी। तो अब सम्मानित साथियों आपका आज जो हम जो ये दिन आप लोग ये हमने पूर्व संध्या में जो अपनी ये बात रखी और आप सभी साथियों ने इस बात को हमारी को सुना, काफी साथियों ने इसको शेयर किया और देखा, और सम्मानित साथियों आगे जो है ये आगे भी इसको आप शेयर करते रहें, ये काफी अच्छी चीजें साथियों इसमें आपको मिली हैं और जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी। तो सम्मानित साथियों अगर आपको संविधान को पढ़ना है तो आप टेक्स्ट बुक लेकर के आइए और उसके बाद सम्मानित साथियों आप इसको ठीक से समझें और एक एक आर्टिकल को हर एक के अंदर उसमें बताया गया है कि कौन से आर्टिकल के लिए आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर सब कुछ साथियों सारे अधिकारों को लेकर के आपको यहाँ पे साथियों आपको मिलेगा आपको। तो आप लोगों ने साथियों हमारी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संविधान दिवस जो कल साथियों जो है उसकी पूरे देश के पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि भारत देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोग जो है इसको समझें, इसको पढ़ें और उसके बाद में जो राजनीति में भी आप लोग सक्रिय हो जाएं और जो है बहुजन समाज पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए आप लोग काम करें। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।